अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ बहुत मज़ेदार चॉकलेट कपकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये कपकेक बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमारे पास मैदा है, चीनी है, कोको पाउडर, बटर मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, कॉफ़ी लिक्विड हमें चाहिए होगा, एक अदद अंडा है, वनीला एसेंस, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। आपको बताती जाऊँ, मैंने हाफ कप गर्म पानी में 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी जो आती है उसको डिसॉल्व कर लिया, तो ये कॉफ़ी लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक बाउल में मैं मैदा ऐड करूँगी। ये मैदा जो है वो मैंने पहले से छान कर रखा हुआ है, और यहाँ तक कि कोको पाउडर को भी मैंने अच्छी तरीके से छाना हुआ है। अब इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, और शुगर ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को एक बार फिर से मेंशन करती जाऊँ, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से छान कर डालना है। अब ये ड्राई वाला बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब अलग से एक बाउल में मैंने ऑयल डाला है, इसी में मैं कॉफ़ी लिक्विड ऐड करूँगी, बटर मिल्क शामिल करेंगे, अंडा, और कुछ ड्रॉप्स में वनीला एसेंस के इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब जौन सा भी लिक्विड बैटर हमने बनाया था वो हम इस ड्राई मैदे में ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से मैं बीटर की मदद से मिक्स कर लूँगी। हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, ये हैंड विस्क के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। देखिए बैटर कितना अच्छा सा रेडी हो गया, और इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही चाहिए। अब एक कपकेक डिश में मैंने कपकेक लाइनर्स लगा दिए, और एक आइसक्रीम स्कूपर की मदद से मैं इसमें बैटर फिल करूँगी इस तरह से। मुझे सिर्फ 3/4 ही इसको फिल करना है। इस तरह से मैं तमाम केसेस में बैटर को फिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे केसेस जो कपकेक केसेस हैं उनको फिल कर दिया बैटर के। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम कपकेक केसेस में कपकेक का जो बैटर है वो फिल कर दिया है। 3/4 ही इसको रखा है, क्योंकि जब ये राइस करेंगे तो ये ऊपर तक आ जाएंगे। अब मैं इसको 180 डिग्री पे तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। आप अपने ओवन की टाइमिंग अपने टेम्परेचर के हिसाब से देखिएगा। तो इसको मैं अब ओवन में रख के तकरीबन 18 मिनट के लिए बेक करती हूँ। जब तक हमारे कपकेक्स रेडी हो जाए, हम इसकी फ्रोस्टिंग रेडी कर लेते हैं। फ्रोस्टिंग के लिए हमें बटर चाहिए, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए, आइसिंग शुगर लिए हमने, थोड़ी सी क्रीम है हमारे पास, कोको पाउडर और वनीला एसेंस। तो बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रोस्टिंग के। फ्रोस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं बटर को, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट है, इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी कि बटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब बटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अब यहाँ पे मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। कोको पाउडर हमने छाना हुआ है, और साथ ही हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। अब इसे मैं फिर से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। बटर में कोको पाउडर को ऐड करने के बाद ये देखें ये किस तरह से चॉकलेटी सा हो गया। अब यहाँ पर मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। और इसे हम बीट करेंगे दोबारा से, स्लो स्पीड पे करेंगे ताकि शुगर जो है वो उड़े ना। यहीं पे हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा पैक की भी और फ्रेश व्हिप क्रीम भी। मैं इसे इतना बीट करूंगी कि ये जो हमारा बैटर है ये बहुत लाइट और फ्लफी सा हो जाए।
ये फ्रोस्टिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तकरीबन इसको मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से बीट किया है, तब जाके ये इतनी अच्छी फ्लफ़ी और क्रीमी हो गई है। और अब ये इस कंसिस्टेंसी में है कि हम इसे पाइप करेंगे तो ये आराम से पाइप की जाएगी। व्यूअर्स, तकरीबन 18 मिनट मैंने इनको बेक किया और हमारे कपकेक्स जो है वो बिल्कुल रेडी है। फ्रोस्टिंग भी हमने रेडी कर ली है, लेकिन तकरीबन हम इसे आधा घंटा पहले ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर गरम गरम कपकेक्स के ऊपर हम फ्रोस्टिंग करेंगे तो वो सब मेल्ट हो जाएगी। तो आधा घंटा हम इसे रेस्ट देंगे, उसके बाद इसकी फ्रोस्टिंग करते हैं। कपकेक्स अब हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और जो फ्रोस्टिंग मैंने रेडी की थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया। अब आप चाहें कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। इस तरह से तमाम कपकेक को मैं फ्रोस्टिंग करके रेडी कर लूँगी। देखिए मैंने तमाम कपकेक्स को फ्रोस्टिंग लगा दी है। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन की फ्रोस्टिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि चॉकलेट कपकेक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। फ्रोस्टिंग आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी करना चाहें और जिस डिज़ाइन की करना चाहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। रेसिपी पसंद आए तो उसको प्लीज कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।